वह गाती है मानो वह लता हो। फ्रेंड्स, हमें अपने लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम किसी अनरियल बिहेवियर की बात करते हैं, यानी किसी इंसान की एक ऐसी बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जो रियल नहीं है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां कहते हैं वह बोलता है मानो वह शाहरुख हो, वह पढ़ाता है मानो वह एक महान अध्यापक हो। तो आइए देखिए फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग प्रेजेंट में होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर पास्ट में होता है। कैसे? आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। वह गाती है मानो वह लता हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी सिंग्स एज इफ सी वह लता, यानी वह गाती है मानो वह लता हो। फ्रेंड्स, मैंने बोला मानो वह लता हो, यह सेंटेंस प्रेजेंट में है लेकिन इसका स्ट्रक्चर पास्ट में है। तो आप इस बात को केयर करेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम अनरियल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो एज इफ या एज दो के बाद आने वाला स्ट्रक्चर पास्ट में होगा। वह दौड़ रहा है मानो वह पागल हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज रनिंग एज इफ ही वर मैड। वह मेरे साथ ऐसे पेश आता है मानो वह मेरा बॉस हो, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही बिहेव्स मी एज दो He were my boss, यानी वह मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। वह बोलता है मानो वह सलमान हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He speaks as if he were सलमान, यानी वह ऐसा बोलता है मानो कि वह सलमान हो। वह पढ़ाता है मानो वह एक महान अध्यापक हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He teaches As if he were a great teacher. वह चलता है मानो वह एक शराबी हो, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He walks as if he were a drunkard. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप किसी के अनरियल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं बड़े आराम तरीके से बोल पाएंगे, यानी आप एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।